बड़ी खबर ये कि अखिलेश यादव और ओपी राजभर वाराणसी पहुंच चुके हैं और खास बात यह कि दोनों एक ही प्लेन से वाराणसी पहुंचे हैं। यहां से दोनों नेताओं के मऊ जाने का कार्यक्रम है। थोड़ी देर में ओपी राजभर मऊ के लिए उड़ान भरेंगे। ओपी राजभर के जाने के 15 मिनट बाद अखिलेश यादव भी मऊ जाएंगे, लेकिन वाराणसी दोनों ही नेता एक साथ और एक ही प्लेन से पहुंचे हैं। यहां से दोनों नेता मऊ जाएंगे, अलग अलग उड़ान भरेंगे। पहले ओपी राजभर रवाना होंगे और उसके बाद 15 मिनट के वक्त के बाद अखिलेश यादव उड़ान भरेंगे और मऊ जाएंगे। थोड़ी देर में वाराणसी के लिए निकलने वाले हैं ओपी राजभर और 15 मिनट बाद अखिलेश यादव उड़ान भरेंगे। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। मोइन, खबर ये कि दोनों नेता वाराणसी पहुंच चुके हैं और तकरीबन कितनी देर बाद ओपी राजभर और अखिलेश यादव यहां से रवाना होंगे? 3 हेलीकॉप्टर की बात करते आए हैं ओपी राजभर, 2 तो हमने गिन लिए, 1 उनका, 1 अखिलेश यादव का, 3रे हेलीकॉप्टर की सुगबुगाहट है क्या अभी कोई? देखिए, अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर अब से करीब 15 मिनट पहले वाराणसी के इसी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे हैं। दोनों एक साथ चार्टर्ड प्लेन से आए हैं। अखिलेश यादव के चार्टर्ड प्लेन पर सवार होकर ओम प्रकाश राजभर आए हैं और अखिलेश यादव ने जो पार्टी के चुनिंदा नेता थे उनसे औपचारिक तौर पर अभिवादन स्वीकार किया, बुके लिया और दोनों नेता अब जो रनवे पर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है वहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। जो जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, वो सारे के सारे नेता अब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर 2 हेलीकॉप्टर के अरेंजमेंट किए गए हैं, 2 हेलीकॉप्टर यहां से जाना है, लेकिन अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर एक हेलीकॉप्टर पर सवार होकर के जाएंगे या दोनों नेता अलग अलग हेलीकॉप्टर से जाएंगे, फिलहाल इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बाहर आ गए हैं, सुरक्षा कारणों से उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, तो औपचारिक मुलाकात के बाद दोनों नेता एयरपोर्ट के रनवे पर जो हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं उसकी तरफ रवाना हो गए हैं। अब से कुछ देर के बाद दोनों नेता यहां से रवाना हो जाएंगे मऊ जिले के लिए, लेकिन अहम सवाल यह है कि दोनों नेता एक ही हेलीकॉप्टर की सवारी करेंगे। जिस तरह से दोनों लखनऊ से एक साथ चार्टर्ड प्लेन पर सवार होकर के वाराणसी तक आए या फिर अलग अलग हेलीकॉप्टरों से जाएंगे, पहले 3 हेलीकॉप्टरों की बात की जा रही थी, फिर 2 हेलीकॉप्टरों की बात की जा रही थी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या दोनों नेता एक ही हेलीकॉप्टर से मऊ जाएंगे या अलग अलग हेलीकॉप्टरों से जाएंगे। बहरहाल अब से कुछ देर के बाद दोनों नेता मऊ में रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे और वाराणसी से मऊ जाने की जो रास्ता है, जो दूरी है, तकरीबन 35 मिनट का वक्त लगना चाहिए। तो अब से 2-3 मिनट के बाद जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भर देगा और अगले 35 मिनट के बाद हेलीकॉप्टर जो है वो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर दोनों मऊ में जो रैली स्थल है जहां सुभाषपा का 19वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वहां पर लैंड कर जाएगा और वहां पर लैंड करने के बाद जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब सामने आ जाएंगे।